जी सर। आज 26 अप्रैल 2020 असी तुहाडे नाल रूबरू हो रहे। पिछले 10 दिनों में देखा गया कि पटियाला च केस वधे हैगे, बट मैं तुहानू तुहाडे नाल कुछ साझा करना चाहुंदा। बेसिकली पीपल आर पैनिकिंग, इन्ना जिहड़ा पैनिक हो रहा हैगा लोकां दे विचकार, जिस तरह की एग्रेसिवनैस आ भी रही हैगी, मैं तुहाडे नाल सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीज़ां जिहड़ी है साझा करना चाहुंदा। जिवें कि 16 तारीख के नेड़े तेड़े पटियाला दे विच सफाबादी गेट दे विच पॉजिटिव आया, उहदे बाद राजपुरा एक पॉजिटिव केस आया। ये दो प्राइमरी पॉजिटिव सीगे साडे, और इसी दे अगे असी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की थी। कहीं ना कहीं असी 1400 से 1500 लोगों नूं टच किया है, जो इन प्राइमरी पेशेंट्स के साथ टच में थे या किसी तरह कॉन्टैक्ट में थे, चाहे वो हाई रिस्क हो चाहे लो रिस्क हो चाहे किसी दूरों नेड़े हो। इन्हां दे विच्चों 211 जिहड़े सीगे वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट सीगे, जिन्हां दा सब दा टैसट किया गया। साढ़े जिहड़े टैसट हैगे हुण 550 टैसट किए हैगे हुण तक पटियाला च, जिहदे विच्चों 61 पॉजिटिव निकले हैं। बट आपां नूं एक बार फिर मैं तुहानूं सब नूं ये चीज़ कहना चाहुंदा जी, सिर्फ दो केस तो निकल कर ये 61 केस बने, एंड कहीं ना कहीं आपां नूं ये समझना पएगा असीं रूट तक गए। पिछले 10 दिन में साडे एडीसी जनरल मैडम पूनमदीप कौर, प्रीति यादव, साडे दोनों एसडीएम, एसडीएम पटियाला, एसडीएम राजपुरा मिस्टर बेनेट, दे हैव वर्क एंड दे हैव स्लॉग, दे हैव वर्क वेरी हार्ड। पिछले 10 दिन एक एक बंदिया नूं असीं टच किया, उन्हां दी इंटरव्यू ली, किस माहौल से मिले, किनू मिले, कद मिले, उन्हां दा ट्रेसिंग की, और उहदे बाद इन्हां दी टेस्टिंग की गई, उहदे बाद ये पॉजिटिव केसेज आए। बट 550 दे विच जिहड़े हैगे 60 पॉजिटिव है, बाकी सारे नैगेटिव है। खुशी की गल ये है कि आज भी जिहड़े 50 टेस्ट वो सारे नैगेटिव आए। साडा जिहड़ा पॉजिटिव पेशेंट सीगा जिहड़ा 11 तारीख नूं आया सीगा, अज वो भी जिहड़ा हैगा डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपां नूं ये समझण की लोड़ है जी, रादर दैन पैनिकिंग, इट इज़ गुड फॉर अस कि आपां इन्नी ज़्यादा ट्रेसिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं। यस, आपां नूं फिर संभल के रहने की जरूरत है। मैं पिछली बार भी जिहड़ी असी जब रूबरू होए सीगे, असी ये कह रहे सीगे कि कहीं ना कहीं कम्यूनिटी ट्रांसमिशन की आशंका हैगी, बट आज असी उहदे विच डाब लाती हैगी। राजपुरा सारे केसेज नैगेटिव है, पटियाला सफाबादी गेट पिछले 10 दिन तक कोई भी केस नहीं आया है। तो मैं फिर तो सारे पटियाला वासियों ये विनती भी करता है, ये आस भी करता है कि तुहाडे तो कि तुसी अपना सबर रखो, किसी तरह के भी कोई पैनिक वाला माहौल नहीं हैगा। तुसी जब तक नाल खड़े हो, असी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी गड़बड़ी या किसी दिक्कत की किसी भी चीज़ की आशंका होने की लोड़ नहीं हैगी। मैं फिर तो वही रिपीट कर रहा हूँ जी, प्लीज़ घरे रहो। अपने को अगले 10 या 15 दिन की विंडो हैगी, प्लीज़ अपने घरे रहो, अपने बुजुर्ग अपने बच्चे को संभालो, ज़्यादा मूवमेंट ना करो, सानू दिक्कत होंगी ये करके। मैं फिर तो तुहाडा बेटा, तुहाडा भाई, बच्चा का गार्जियन बन के, बट एक चीज समझनी पड़ेगी जी, हम सबको साथ मिलकर रहना पड़ेगा, हम सबको साथ मिलकर इस चीज पर जो है किसी तरह साथ रहकर इस पर अटैक करना पड़ेगा। अदरवाइज अलग थलग पड़े रहेंगे, इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। हम अपनी तरफ से ईमानदारी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अपने घरे रहो, प्लीज अपने घरों ना निकलो। आई विल मेक श्योर, जिस तरह से असी राजपुरा जिहड़ा कीता और पटियाला सफाबादी गेट दे विच भी डाब लाइए, असी कोशिश करांगे पटियाला दे विच हर एक पक्खों डाब ला के रखावांगे। जय हिंद, थैंक यू।